सुना होगा कल 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद की बात चल रही है, तो आप उसका सपोर्ट करेंगे या उसका विरोध करेंगे? नहीं, विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं, मगर बंद का मैं विरोध करता हूँ। और मैंने अपने साथी लोग जो हमारे यंगस्टर्स हैं उसमें युवा शक्ति दल के जो हैं उनसे बात हुई है। हमने कहा जब सारे MPs मिलकर के गए हम लोगों के लिखने पर फेसबुक पे और उस पर, तो वो सब प्रेसिडेंट से मिले और फाइनली कानून मंत्री ने ये कह दिया कि हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। तो उसके बाद वो इशू जो था SC ST अट्रोसिटीज एक्ट को डायल्यूट करने का जुडिशरी के द्वारा और सरकार के नाकामी के कारण, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल के द्वारा उसे प्रस्तुत नहीं किया गया, तो जब कोई आर्गुमेंट ही नहीं करेगा तो एक्ट कमजोर जैसा था सुप्रीम कोर्ट का लच्छा लगा, एक तरफ का पक्ष से निर्णय दे दिया। इससे सारे नवयुवक जो हैं गुस्से में हैं और होना स्वाभाविक है। हमने भी यही कहा कि ये तो बहुत ही ऐसा एक्ट पास हुआ है जो वो सुधार हुआ है साहब, ये सुधार है, सुधार किया गया है, ये कोई सुधार है? कौन से कितने केसेस ऐसे कहा जाता है फॉल्स केसेस होते हैं, कितने केसेस हैं फॉल्स केसेस जिनमें के गरीब लोग ही 60-70% जेलों में बंद हैं और उनको बिना ट्रायल के अंडर ट्रायल के रूप में जेल में बंद हैं और उनकी सज़ा इतनी हो चुकी है कि जो सज़ा अगर वो काटे होते तो उससे कम होती। आज उनका कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं ध्यान दिया कि जितने भी इस तरह के केसेस हैं गरीब लोगों के, उसमें ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी वाले हैं, कि वो जो बिना चार्जशीट बहुत से केसेस में लगे हुए हैं, बहुत से केसेस में बेल नहीं हो रही है क्योंकि उनका कोई है ही नहीं, कोई पैरोकार नहीं है। तो इसको भी स्वतः संज्ञान लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि उनको पहले छुड़वा दीजिए कृपा करके, जिससे कि वो SC ST का महसूस हो कि आपके ऊपर जो लग रहा है कि आपने भी SC ST के एक्ट को डायल्यूट किया है, जिससे कि इन लोगों के मर्डर बहुत होंगे, इन लोगों के महिलाओं के रेप बहुत होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना सख्त कानून होने के पश्चात भी इतनी बड़ी संख्या में अपराध हो रहे थे और भाजपा के शासन में तो और ज़्यादा अपराधों की संख्या बढ़ी है, तो उसके तरफ ध्यान न दे करके इसमें किया गया। खैर एनीवे, अब लॉ मिनिस्टर ने जब कह दिया तो बंद का, और फिर बंद एक कानून के विरुद्ध शब्द है। भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें बंद कहीं शब्द नहीं है। आप असेंबल, यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स का अधिकार दिया हुआ है, तो वो करना चाहिए। हमारे नवे गुस्से में ज़रूर हैं, मगर मैंने आग्रह उनसे यही किया है कि आप जो है इसका विरोध दिवस मनाओ और विरोध दिवस के होकर के हर जिले जिले में अपना प्रत्यावेदन दो और जिलाधिकारी को अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाओ कि हमारा समाज इससे बहुत उत्तेजित है। अगर इसको जल्दी से ठीक नहीं किया गया, यानी जो लॉ मिनिस्टर ने वायदा किया है, तो उसे फौरन ही एक सप्ताह के अंदर उसे ठीक हो जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति और भयावह हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये तो एक तरह का जाति युद्ध कराने के लिए पक्ष में घूम रहे हैं लोग। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो डिवाइड एंड रूल के आधार पर राज करना चाहती है, सत्ता में प्राप्त करना चाहती है, दलित आते दलित को बांट रही है, बैकवर्ड आते बैकवर्ड को बांट रही है, ये सिर्फ उनके विभाजनकारी जो नीतियाँ हैं उसका आधार पर करना चाहती है। तो अगर ये SC ST उस पर और एक घी का वो लगा रहा है, साथ ही एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम था उसमें भी छेड़खानी करके, उनके पिताजी का नाम रामजी रखा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि जो नाम प्रचलित तो हो गया, इतने उन्होंने किताबें लिखी हैं उनमें सब में उनके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम रखा हुआ है, उस पर भी एक हमारे नवयुवकों को उद्दलित करने के लिए लिखा गया है। मैं इसमें एक कॉन्स्परेसी देख रहा हूँ कि ये सिर्फ हमारे नवयुवकों को गुस्सा और दिलाने के लिए, जो बेरोजगार हैं, एक तो उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, MBA BTEC और इंजीनियर होने के पश्चात भी वो चतुर्श्रेणी के लिए भी तरसते घूम रहे हैं, तो एक तो वो गुस्सा है और दूसरा सा जो जिसे कहते हैं फ्यूल टू फायर डाला जा रहा है, कि आग लगाने के और घी और डाला जा रहा है उसमें, कि साहब और बाबा साहब का नाम और बदल दिया। अब बताइए, बाबा साहब का नाम दिल दिमाग में छाया हुआ है, मेरा जैसा आदमी तो 50 साल से बाबा साहब का ही भक्त है, बाबा साहब की पूजा करता, बाबा साहब के भगवान तो नहीं कहूँगा, मगर बाबा साहब का जो राष्ट्रभक्ति का जो देखता हूँ मैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो काम किया है वो शायद अद्वितीय है, और इसलिए आज सारा संसार उनको पूज रहा है और आप जो हैं उनके नाम में पड़े हुए हैं पीछे। सिर्फ यह मुद्दा इसलिए उठाया गया जैसे हमारे लड़के उत्तेजित हों और इधर उधर एजिटेशन करें और नाम बदलें। एक निकनेम भी होता है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम समझते हैं कि राम जी नहीं लगाया मान लो, तो निकनेम के आधार पर वो प्रचलित हो गए, और निकनेम के आधार पर जो प्रचलित हो गए तो घर में
जो SC ST OBC के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनके दिमाग में तो वो निकनेम है, अगर मान लो सब वो कर लिया जाए। तो मैंने तो ये अनुरोध करूँगा, और मैंने ये अनुरोध किया है, फेसबुक पे लिखा भी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बौद्ध सत्व थे, तो इस उनका नाम के आगे बौद्ध सत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा जाना चाहिए। चाहे अम्बेडकर राव आप लिख रहे हैं, राम की जगह के वो राम नहीं हो जाएंगे, राम भक्त नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो एक सोशल सामाजिक क्रांतिकारी थे जो संसार में बहुत कम लोग पैदा होते हैं। तमाम उत्पीड़न सहने के पश्चात भी उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। इसलिए मैं अपने साथी और अपने नवयुवकों से जो है सारे देश में कहना चाहता हूँ कि आप गुस्सा रखिए, अपना नियंत्रण रखिए, और घोषवाद ठीक करते हुए पुलिस से झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांति व्यवस्था बनाते हुए अपना सीधा सा प्रत्यावेदन दीजिए, प्रोटेस्ट जरूर करिए, इसमें तो कोई नहीं है, उसमें कोई कायरता दिखाने की ज़रूरत नहीं। मगर जो जहाँ जैसा है नवयुवक करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर इसमें जो निहित स्वार्थ दिखाई दिया मुझे कि कैसे डिसीजन लिया गया कि बंद 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 एक फेसबुक पर या ट्विटर पर भेज दिया, उससे तो कोई ऐसा तो नहीं है। जब तक कि आप एक पूरा नेशनल लेवल की मीटिंग नहीं बनाए, हु इज़ द लीडर, यही नहीं समझ में आ रहा है कौन किसके लीडरशिप में ये भारत बंद हो रहा है। मान लीजिए कल जो आक्रमण होने लगे उनके ऊपर, हमने कहा भाजपा के सपोर्टर्स लोग जो हैं, दूसरे सवर्णों के सपोर्टर्स लोग जो हैं, आपके जुलूस होंगे, उन पर ईंट पत्थर फेंकेंगे, स्थिति खराब होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, हु इज़ द लीडर। तो ये सब सामने आना चाहिए और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्रदर्शन करना चाहिए। ये मेरा मुझे विश्वास है, मेरे नवे पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी हैं विज्ञापन देंगे और अपनी बात जोर से रखेंगे, और कि हर हालत में माननीय लॉ मिनिस्टर के उनके अनुसार नरेंद्र मोदी जी ये सुनिश्चित करें कि ये पुनर्विचार फौरन हो, और सही जो परा रूप में था ऑरिजिनल रूप था उसका जो उसको सही रूप से लागू कराएं। और सख्ती से एक और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी केसेस SC ST एक्ट के लागू हुए हैं, जिनमें मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन्होंने FIR दर्ज कराई है और नहीं चार्जशीट लग पाई, उसके कारण की भी जांच की जानी चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जात प्रजुडिस तो नहीं था। कास्ट प्रजुडिस भी बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि लोग उनको जो किसू कास्ट का मामला है, अरे छोड़िए, दो अदर कास्ट के जो SO हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो भी उन्हीं कास्ट के होते हैं, इसलिए पक्षपात होती है इसमें, तो बहुत कम मामले होते हैं। ये हमारे उस समय सरकार थी, उन्होंने भी एक ऑर्डर जारी कर दिया था 2003 में कि साहब जो महिला का रेप हो तो पहले वो मेडिकल जांच होगी, तब मुकदमा दर्ज किया जाए। तो हमने इसे प्रोटेस्ट किया था और बताया था कि साहब ये 2003 में माननीय मुख्यमंत्री के उनके स्पीकर से कि ये किसने ऑर्डर ऐसा जारी कराया है, ये गलत है। खैर उसको डायल्यूट किया गया, रखा गया, मगर निकाला नहीं गया। उस समय भी TV में ये कहा गया कि नहीं साहब फर्जी केसेस होते हैं। तो मेरा फर्जी केसेस के बारे में कहना यह है कि अगर फर्जी केस होता है कोई करता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जा सकता है 186 IPC में, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये करें राधा देन ये प्रज्यूम करके कि साहब फर्जी केस होता है इसीलिए उसकी पहले जाँच होगी, फिर FIR दर्ज होगी, उसके बाद FIR में चार्जशीट लगे न लगे, फिर उसको पकड़ा नहीं जाएगा, बेल नहीं होगा, तो फिर उसका मतलब क्या रहेगा? SC ST एक्ट बनाने की जरूरत क्या थी? वैसे तो कानून है ही, इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे नवयुवक भाई जो है जिनमें उत्साह बहुत ज़्यादा है, मैं उन बहादुरों को बहुत बहादुरी के लिए प्रशंसा करता हूँ, मगर बहादुरी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब हमारे आइडियल हैं, बाबा साहब हम के अनुसार हमें काम करना है, बाबा साहब के संविधान के नेतृत्व प्रावधान उसके अंदर कार्य करना है। भगवान बुद्ध, बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानते थे, भगवान बुद्ध ने भी वही कहा कि शांति शांति शांति, इसलिए आप अच्छे कर्म करो, और मगर बड़े उसके हिम्मत के साथ अपना जैसे कर रहे वैसे करिए। जय भीम, जय भारत।